सिरसा के नवनियुक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अर्पित जैन ने बनारा रोड स्थित पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पहुंचकर पदभार ग्रहण किया। पदभार संभालते ही उन्होंने जिला भर के DSP व थाना प्रभारियों की बैठक ली। बैठक में उपस्थित अधिकारियों को पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अर्पित जैन ने निर्देश दिए कि गैरकानूनी धंधा करने वालों से सख्ती से निपटा जाए, नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में तेजी लाएं और थाने में शिकायत लेकर आने वाले फरियादियों की बात प्राथमिकता पर सुने। वांछित अपराधियों की धरपकड़ हो, अदालत में चल रहे मुकदमों की बेहतर ढंग से पैरवी की जाए ताकि अपराध करने वाला व्यक्ति किसी भी सूरत में सजा से न बच पाए। आपको बता दें कि सोमवार शाम को सिरसा के पुलिस अधीक्षक भूपेंद्र सिंह का तबादला कर दिया गया था। उनकी जगह बल्लभगढ़ से DCP डॉक्टर अर्पित जैन को सिरसा के पुलिस अधीक्षक का पदभार सौंपा गया। मंगलवार शाम को उन्होंने पदभार ग्रहण किया। कार्यालय में पहुँचने पर उनका स्वागत किया गया। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अर्पित जैन ने कहा कि अपराधियों पर प्रभावी ढंग से नकेल कसी जाएगी। पदभार संभालते ही उन्होंने जिला भर के DSP व थाना प्रभारियों की बैठक ली है। सभी को काम में लापरवाही न बरतने के निर्देश भी दिए हैं। काम में कोताही किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं। बैठक के दौरान सभी थाना प्रभारियों से प्रगति रिपोर्ट भी ली गई है और लंबित मामलों को शीघ्र निपटाए जाने के निर्देश भी दिए हैं।